दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल मोनू शाह मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेनफ्लेक्स टेबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत टेबलेट है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है हम पूरी जानकारी बातें करके देंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए, तभी आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी यह टेबलेट किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम कोई वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। आइए बात करते हैं जेनफ्लेक्स टेबलेट के बारे में। दोस्तों जेनफ्लेक्स टेबलेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कान में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, टाइफाइड बुखार। और किन किन कंडीशन में इसे यूज किया जाता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसका पैकिंग देख लीजिए। यह एक पत्ते में 10 टेबलेट आती है और इसे एक पत्ते का प्राइस होता है लगभग 64 रुपये और इसे कंपनी बनाती है मैनकाइंड की। और इसमें कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। दोस्तों वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होनी चाहिए और साथ साथ पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल हो हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसका डोज। दोस्तों 7 साल से 13 साल बच्चों को आधी आधी टेबलेट सुबह शाम खाना वाना खाने के बाद दे सकते हैं और 13 साल से प्लस लोगों को एक एक टेबलेट सुबह शाम खाना वाना खाने के बाद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे किन लोगों को अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जो बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं वो भी इसका इस्तेमाल अपने मर्ज़ी से ना करें, या जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो भी इसका इस्तेमाल अपने मर्ज़ी से ना करें। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा यूज ना करें, या डॉक्टर उन्हें पहले से देते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसे किन किन कंडीशन में यूज किया जा सकता है। दोस्तों जिन लोगों को कान में इन्फेक्शन हो, जैसे कि कान बह रहा हो या कान में दर्द हो या कान में कान बह रहा हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जिन लोगों को गले में इन्फेक्शन है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को नाक में इन्फेक्शन है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसको टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पेट में कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन में कोई दिक्कत हो, पेशाब में जलन हो या रुक रुक के पेशाब आ रहा हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये थे इसके फ़ायदे। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों गोली खाने के बाद अगर आपको सर में दर्द होने लगे या आपको लाइटिंग ज़्यादा होने लगे तो आप समझ सकते हो आपको यह सूट नहीं कर रहा है। दोस्तों आज का हमारा समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।